हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अशद बलोच एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है भाई की बर्थडे भाई की। विश करो सारे जाके कमेंट बॉक्स में मुझे एक एक सिंगल बंदे का मुझे विश आना चाहिए। ठीक है भाई, अभी का सीन ये है कि मुझे आइए दावत शेरी वालों की तरफ से। हम लोग जा रहे हैं, ट्रीट आई है भाई, ट्रीट। आपके भाई को ट्रीट मिलती है ना जब, तो बाकी फिर तो मैं मुंह उठा के पहुंच जाता हूँ। अभी ट्रीट का सीन है, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना वाना खाने, मतलब बाहर, फिर वहीं केक वगैरह कट होगा, फिर रात को अलग से मेरा केक वगैरह काटेंगे, सब कुछ होगा। मतलब आज बर्थडे चल रही है तो पूरा ब्लॉग आज हम निकालेंगे अपनी बर्थडे पे, तो देखते हैं लेट्स सी क्या सीन बनता है। अभी तो फिलहाल मैं इंट्रो करने ऊपर आया हूँ क्योंकि लेट हो रहा था, मैं गया हुआ था एक काम से, उसके बाद अभी फॉरन आया हूँ यहाँ पे। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जो भी रेस्टोरेंट हम लोग गए वो मैं आपको बता दूंगा। बाल वगैरह सही लग रहे हैं। ओके, खैर बस अब चलते हैं, फिर देखते हैं। एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं? जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दो, ताकि अगला न्यू ब्लॉग आने से पहले या आने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर अब बस अब निकल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मुझे आवाज़ें आ रही है नीचे से, इससे पहले मैं निकल जाऊँ। नहीं, जब इतनी देर हुई है, थोड़ी बहुत और देर आपको दिखा दूँ अपना आउटफिट, देख लो भाई। ये मुझे शर्ट दी थी मेरी जान के टोटे ने, अब्दुल हई खानजादा ने, मेरा भाई, मेरा जिगर, उसने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया है, तो मैंने आज पहन ली वो। बाकी ये ब्लैक पैंट है, ये शूज़ है, ये वॉच है। अब हम लोग निकल लें, अब मैं गली रो जाऊँगा। One eternity later. यार हम लोग आए खाना वगैरह खाने, पहुंच चुके हैं, आए हम लोग हैं कबाब जीस पर। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी सारी पलटन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अली साहब, वालेकुम सलाम। कबाब जीस जो अदा हला, वालेकुम सलाम, हेलो, क्या हाल है, खुश खैर मजे में भाई? खाना वगैरह खाने और जो ट्रीट वगैरह का सीन था ना, वो सारा इधर ही है। अभी केक वगैरह डिग्गी से निकालना, केक भी दिखाता हूँ मैं, केक वगैरह सब कुछ बनवा कर लाए। वाह भाई, सरप्राइज मिला है मुझे। हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट, अभी अली खोल रहा है केक क्योंकि ये खुल नहीं रहा। अच्छा सीना साहब, खुले ना वो। अरे पानी दे, अरे पानी पानी दे, तेरा मेहनत सुट्टी सुट्टी जगह दे बेटा, सुट्टी जगह दे वे, मुझे मां थैली फाड़, चलो नन्ना सुट्टी जगह दे बैठा हूं। इसके साथ साथ दो केक है हमारे पास, ये एक शेरी का भी है क्योंकि शेरी की प्री बर्थडे नहीं, तुझे बर्थडे गुजरी चुकी है ना? ना मुझे बर्थडे गुजारे भाई, यार इज्जत से बुदा। 9 अप्रैल दे भाई, अली तुझे पेपर हुआ उस टाइम इसके पेपर्स वगैरह चल रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने इसकी बर्थडे वगैरह नहीं की थी। अभी हम लोग कर रहे हैं हम दोनों की साथ बर्थडे, इसकी तो गुजर चुकी है, मेरे साथ लटक रहा है रूबरू में। बाकी आप देख सकते हैं, ये इसका केक है, ये मेरा केक है, बहुत ही बेहतरीन। क्रेडिट गोज टू आपी, थैंक यू सो मच आपी, आपी ओ आपी, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, मेरी तरफ गिफ्ट है। ओके थैंक यू। तब मैं आपको कबाब जीस का ना टूर करवा दूंगा कैसा है भाई, आप लोग जो जो नहीं आया वो देख लो, यहाँ पे प्ले एरिया भी है। फ्री फंड की प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, फ्री फंड में मैं दिखा रहा हूँ इनका कबाब जीस। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम, क्योंकि जो वॉशरूम लग जाए ना कुछ बर्दाश्त नहीं होता, और खाने से पहले वॉशरूम जाना लाजमी है। यहाँ के तो वॉशरूम भी लग जाते हैं। फायदा है, मैं अपना वॉशरूम में आप लोगों को पूरा वो दिखा दूँ लग रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, वन तू थी है तो क्यों नहीं वनो, तो क्यों वनो है मुख्य वनो है वॉशरूम आ जाओ आप लोग, वो भी ठीक लगा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दे अली ओली
नजर की हो यार भाई उसको ये पारे के इसको छोड़ो वो तफरी दिलाएगा अंदर कपड़े बदल दो शलवार को छत ना खोलन देना वाला ये रेड रेड का नहीं भूल गया मैं भूल गया सॉरी पेशावरी आ जाओ ये मखनी आंडी ये चम्मच मोतन कढ़ाई सॉरी 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 कुछ गला जी ना ये क्या है रेशमी कबाब रेशम तो मानी है अच्छा कबाब है पहले खाना वगैरह खाएंगे फिर हम लोग कट करेंगे केक तो पहले खाना वगैरह खा लूं फिर मैं केक की तरफ हम फिर आते हैं पहले खाना देख के ना मुझे समझा नहीं जा रहा केक क्या है केक के मालूम केक तू खा लूं मानी का वो कटना देना ओके मानी तो क्या शरीफ है चुप कर खाऊं कुंड में भाई अच्छा क्या होता बेटा साइड क्या होता साइड क्या होता तो यार अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है अब हम लोग जा रहे हैं केक कट करने तो आ जाओ केक कट कर आलू आया पसंद केक Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Harshad. Happy birthday to you. कौन है ये लोग ये केक हम लोगों ने ले लिया जो बच गया अब ये लेके जाऊंगा मैं घर पे अपने क्यों क्योंकि भाई मम्मा को भी तो देना है ना मुझे केक तो ये बहुत सारा बच गया है तो अम्मा मैं आपके लिए केक लेके आ रहा हूँ ये सारा मैं आपको दूंगा सिर्फ आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो खैर अभी हम लोग चलते हैं घर पे नहीं पहले जा रहे हैं आइस मॉक्स वगैरह रहने या कुछ पता नहीं क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता लेकिन पहले जा रहे हैं वहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे घर की तरफ यार आप लोगों को पता है आपका भाई सुबह के 8 बजे तक जाग रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए खैर क्यों जाग रहा हूँ यार सीन बताता हूँ सारा असल में रात को सीन ये हुआ कि हम लोग आ गए थे दावत वगैरह से फ्री होकर मैं जो मुझे ट्रीट मिली उसकी मतलब जो भी सीन था उसका करके हम लोग आ गए थे घर पे अरे यार क्या हो रहा है कपड़ा खैर हम लोग दावत से फ्री होकर आ गए थे उसके बाद सीन ये हुआ कि मेरा जो मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों में भी एक सीन है भाई दोस्तों के पास गया मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ इन लोगों को मैंने कॉल वगैरह की मैंने लगा क्या सीन है रात का तो इन्होंने मुझे बोला कोई सीन नहीं है केक वगैरह कट करने का क्योंकि मेरी बर्थडे के साथ मेरे एक दोस्त है सिराज उसकी भी बर्थडे थी तो हम लोगों ने बोला एक साथ हम केक वगैरह कट कर लेंगे उसने बोला यार मेरा कोई सीन नहीं है तो मैंने कहा मैं अकेला क्या करूँ मेरी तो हो गई बर्थडे पर तो मैंने बोला कि अब चलो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ बर्थडे का कोई सीन नहीं है मैं मोबाइल वगैरह घर पर रख के चला गया उसके बाद होता ये मैं जैसे ही पहुँचाऊँ इतने कोई तेज हैं सारे स्नो एक्सप्रेस से पहले मुझे नहलाया है फिर केक वगैरह कट किया है उन्होंने मेरी कोई हालत की है तो बस ये सारा सीन था तो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट फॉर ऑल द विशेस जो आप सारों ने मुझे की जिस जिसको मैं रिप्लाई कर सका उसको कर दिया था बाकी जिस जिसको नहीं किया उसको दिल से सॉरी दिल से कान पकड़ के सॉरी दिल से माजरत क्यों क्योंकि यार वो रिप्लाई का सीन यार कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को तो पता है यार इतने सारे मैसेजेस होते हैं फिर किस किस के देखे बंदा हाँ जिस जिसके हुए मैंने किए बाकी सारों को ये मत समझना कि भाई के अंदर एटीट्यूड है या जो भी है भाई अगर एटीट्यूड देखना है ना मेरे अंदर कितना एटीट्यूड है तो मुझसे मिलकर देख लो पता चल जाएगा आप लोगों को कि मेरे अंदर एटीट्यूड है या जो भी है खैर इस चीज़ को बाद में देखते हैं अभी के लिए इस व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंड करने से पहले अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड
सपोर्ट। बाकी डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, यानी अब तो मैंने सोच लिया, मैंने कल लास्ट ब्लॉग में भी बोला, मैंने कहा यार मैं रेगुलर हो रहा हूँ और रेगुलर में हो रहा हूँ भाई, बन रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, टेंशन नहीं लो, बन रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, मैं बना रहा हूँ। लेकिन आने में थोड़ा मतलब लेट हो जाता है, कभी थंबनेल इशू हो जाता है तो कभी नेट इशू हो जाता है, तो मेरे साथ ये बुराइयाँ चलती रहती हैं। इस कोई नहीं यार, कोई नहीं, चढ़ते सूरज को हमेशा लोग गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब जिसके साथ अल्लाह का साथ हो उसको कोई नहीं रोक सकता। लव यू हो गया, ऐसे ही सपोर्ट करना आप लोगों ने। ये बात मैंने हेटर्स के लिए बोली, जो हेटर होगा वो खुद ही समझ जाएगा, उसको तो दिल पे चोट लगी होगी, यहाँ पे समझ क्या होगा। खैर, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल के व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।